फाइटिंग एंटरटेनमेंट के जाने अनजाने का ये सेक्शन दीवानगी के नाम, दीवानगी बॉलीवुड के बादशाह की, जिनका जादू आज भी फैंस के दिलों में ऐसा चल रहा है कि कुछ भी गड़बड़ क्यों ना हो जाए, दिल बस यही कहता है कि चिल करो यार, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। ये डायलॉग अब सिर्फ एक डायलॉग ही नहीं रहा, लेकिन हमारी लाइफ का एक मंत्र बन गया है। वैसे लाइफ हैक्स के साथ साथ शाहरुख ने एक और बड़े पते की बात सिखाई है, बहुत ही सिंपल तरह से, यही कि प्यार दोस्ती है, और अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता। या फिर शाहरुख का मेरा फेवरेट डायलॉग इज फ्रॉम द मूवी माय नेम इज खान, जिसमें वो काजोल को बोलता है, मुझे डर बहुत सारी चीजों से लगता है, पर सबसे ज्यादा डर तुम्हें खो देने के ख्याल से लगता है। शाहरुख खान की करिश्मेटिक पर्सनालिटी कुछ है ही ऐसी कि वो वन वे और द अदर हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं जरूर टच करते हैं, कभी एक कोच की तरह तो कभी एक मेंटोर की तरह। माय फेवरेट रोल फॉर शाहरुख खान, देयर आर लॉट, फ्रॉम कलोना हो टू डीडीएलजे टू चक दे टू प्योर जिंदगी, बट आई थिंक वन रोल दैट रेजोनेटेड अ लॉट विद मी वाज शाहरुख एज जहांगीर खान और जब इन डियर जिंदगी। अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वर एप्लीकेबल एंड आर एप्लीकेबल इन आर डे टू डे लाइव्स वाज एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी सिंपल मैनर, बी इट द चाइनीज एंड द माउंटेनियर स्टोरी और द चेयर स्टोरी और वट एवर, इट वॉज जस्ट वेरी सिंपल नाइस एंड रेलिवेंट, एंड द वे ही डिड इट आई फेल लाइक he was there for me, he was being my counselor as well when was in dear zindagi, so that's pretty much it. जो भी रोमांस का फैन है वो शाहरुख खान का फैन जरूर है, बाहें फैला के खड़े हो जाना और उसके पलटने का इंतजार करना। रोमांस पे टिप्स चाहिए तो शाहरुख खान की मूवी सबसे ज्यादा काम आती है। A scene from Veer Zara where Shahrukh and Preeti Zinta are trying to cross a bridge and accidentally Preeti Zinta slips and Shahrukh picks her up and while they're crossing the bridge, Preeti Zinta asks that aap kitni baar meri jaan bachayenge and Shahrukh Khan replies jitni baar aap apni jaan gawayenge. This particular scene and the way he delivered that dialogue and the way he picked her up and crossed the bridge, I think it's definitely one of my favorite scenes of Shahrukh Khan, and I always tend to watch that scene so many times. I think that's one, it's my favorite for sure. शाहरुख खान के कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनसे हम रेजोनेट कर पाते हैं, फिर चाहे वो दिल के टूटने का दर्द हो या फिर एक तरफा मोहब्बत। देवदास मूवी में देवदास मुखर्जी का जो कैरेक्टर शाहरुख खान ने प्ले किया है, वो कैरेक्टर मुझे बहुत दिल से लगाव है उस कैरेक्टर से, बिकॉज जो एक आशिक की जो दर्द होती है, जो एक प्यार का जो एक एहसास होता है, शाहरुख खान ने बखूबी उस चीज को ऑडियंस तक पहुंचाई है, और मुझे इस चीज के लिए वो मूवी बहुत ज्यादा पसंद है। 70 मिनट की स्पीच हर इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिशन से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। चक दे इंडिया का कबीर खान जुनूनी तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ काफी इंस्पायरिंग भी था, और ऐसा ही एक और इंस्पायरिंग कैरेक्टर था। माय फेवरेट मूवी ऑफ शाहरुख खान इज स्वदेश, बिकॉज़ ही प्लेड अ वेरी मैच्योर कैरेक्टर एंड व्हिच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑल हिज रोमांटिक मूवीज। शाहरुख खान के फैंस शाहरुख खान के ऊपर कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बस एक सवाल है जो बहुत मुश्किल होता है, और वो है शाहरुख खान की सबसे ज्यादा फेवरेट मूवी जो हमें पसंद है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसके जवाब एक नहीं कई होते हैं। माय फेवरेट फिल्म्स ऑफ शाहरुख खान, लेट मी थिंक, देयर इज बाजीगर, देयर इज डर, देयर इज कभी हां कभी ना, देयर इज अंजाम, एंड वेट, हाउ कैन आई फॉरगेट बादशाह, टू टू टू, आई लव दैट मूवी मैन, देन देयर इज दिल से, देयर इज फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, बट माय ऑल टाइम फेवरेट मूवी ऑफ शाहरुख खान डेफिनेटली हैज टू बी कल हो ना हो, प्रॉबली अ लिटिल टू चीजी, बट आई लव दैट फिल्म। शाहरुख खान हम सब फैंस के लिए एक इमोशन है, एक बहुत ही पॉजिटिव इमोशन, और फिर चाहे एक घंटे के लिए ही या फिर आधे घंटे के लिए अगर रोज शाहरुख खान को टीवी पे देख ले या फिर कोई उनका इंटरव्यू देख ले या फिर उनका गाना ही सुन ले तो बस दिन बन जाता है। ही इज इंडीड एक ऐसा गीत जो बहुत सी आर्ज जगा जाता है और हमको हम ही से चुरा ले जाता है। 1 2 3 थैंक यू शाहरुख वो टीचिंग में की हर घड़ी बदल तो रही है पर हंसना हमारे हाथ में है।
अगर आपको हमारा वाइट इंक एंटरटेनमेंट का ये सेक्शन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इसके साथ साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग वाइट इंक एंटरटेनमेंट।